गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बामसुर पीजी कॉलेज की लाइव क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स की। इसके अंदर हमारे पास यूनिट नंबर फर्स्ट है और फर्स्ट में हम फिर से पढ़ रहे हैं स्केटरिंग बाई पोटेंशियल। वैसे हमने आपको जो एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स है उसको ऑफलाइन पढ़ा दिया था, और ऑनलाइन भी मैंने आपको पहली यूनिट और जो पांच यूनिट है वो रिवाइज करवा दी थी। लेकिन अब हमारे पास समय बचा है तो हम इसको एक बार फिर से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो हम सारी चीज़ें सीरियल से पढ़ेंगे। कोई टॉपिक रह भी गया होगा तो उसको भी हम पढ़ेंगे। आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं जिससे कि जो बचा हुआ टॉपिक है मैं उसको आपको रिवाइज करवा दूँ। तो एमएससी फाइनल फिजिक्स के अंदर एडवांस क्वांटम के अंदर जो पहला जो टॉपिक है वो है स्केटरिंग बाई पोटेंशियल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल वेव एनालिसिस को पढ़ रहे हैं। ठीक है, जिसमें पहला है स्केटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल। स्केटरिंग फ्रॉम ए डेल्टा पोटेंशियल, तो आज हम डेल्टा जो पोटेंशियल है उसके कारण स्केटरिंग के अंदर जो क्रॉस सेक्शन एरिया आएगा उसको हम फाइंड आउट करेंगे। लेट अस कंसिडर देयर इज लो एनर्जी पार्टिकल, द डेल्टा पोटेंशियल ऑफ दिस पार्टिकल मे बी डिफाइन एज। तो हमारे पास जो डेल्टा पोटेंशियल होता है वो रहता है वी आर इक्वल टू गामा डेल्टा आर माइनस का ए। गामा इज द कॉन्स्टेंट वैल्यू इन द पोटेंशियल फॉर्म एंड डेल्टा आर माइनस ए इज द डेल्टा टर्म्स एंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा आर माइनस ए इज इक्वल टू वन इफ आर इक्वल टू वन एंड जीरो इफ आर नॉट इक्वल टू ए। ओके, तो ये हमारे पास पोटेंशियल हो गया। हम पोटेंशियल का ग्राफ स्केच कर सकते हैं वेयर गामा मेजर द स्केटरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द पार्टिकल। तो हमने जो पोटेंशियल बनाया था कि आर इक्वल टू वन पर हमारे पास जो पोटेंशियल वैल्यू है वो कितनी रहेगी, गामा बराबर रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमारे पास है गामा डेल्टा आर माइनस ए। तो आर इक्वल टू वन पर इसकी वैल्यू वन होगी और जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो हमें मैक्सिमम मिलेगी। तो यहाँ पर पोटेंशियल मैक्सिमम मिलेगा, इधर जाएंगे तो भी पोटेंशियल डाउन है और इधर जाएंगे तो भी पोटेंशियल डाउन है। हमने इसको दो फील्ड के अंदर डिवाइडेशन किया है, पहला है आर लेस देन ए और दूसरा है आर ग्रेटर देन ए पर। और जो ये सेंटर पॉइंट है जहाँ पर हमने लिखा है आर इक्वल टू वन, तो यहाँ पर हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम है। हम इससे इधर साइड और हम इसके इधर साइड एक स्मॉल डिस्टेंस पर दो पॉइंट लेते हैं, और स्मॉल जो डिस्टेंस है या स्ट्रेंथ मान सकते हैं इसको हम इस एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इधर जाएंगे तो ये ए प्लस एप्सिलॉन हो जाएगा और इधर जाएंगे तो हमारे पास ए माइनस एप्सिलॉन हो जाएगा। हमने पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस का क्या बनाया है, ग्राफ बनाया है। ठीक है, फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डेल स्क्वायर यू आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस टू म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी आर यू आर बराबर जीरो। अब देखें, हमने यहाँ पर जो पोटेंशियल लिया है वो हमारे पास डेल्टा पोटेंशियल है। ठीक, डेल्टा पोटेंशियल जो होता है वो हमारे पास स्पेरिकल फॉर्म में काउंट किया जाता है, और स्पेरिकल फॉर्म में जब ये पोटेंशियल दिया गया है तो आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को भी स्पेरिकल फॉर्म में लेंगे। यहाँ पर हमारे पास स्पेरिकल के तीन फॉर्म होंगे, आर पर डिपेंडेंट और थीटा डिपेंडेंट, और थीटा डिपेंडेंट भी हमारे पास दो होते हैं, थीटा और फाई, यानी कि एंगल डिपेंडेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पर केवल हम पोजीशन डिपेंडेंट ले रहे हैं, यानी कि रेडियस जो आर है आर डिपेंडेंसी ले रहे हैं। तो आर डिपेंडेंसी के साथ हमारे पास जो इक्वेशन होगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी वो रहेगी डेल स्क्वायर यू आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस टू म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर ई माइनस वी आर यू आर बराबर ज़ीरो, जहाँ यू आर जो है वो हमारे पास वेव फंक्शन, वो बिहेव करेगा एज ए वेव फंक्शन। जो हमारे पास म्यू है वो रिड्यूस मास रहेगा। ठीक है, और जब हमारे पास किसी सॉलिड पार्टिकल के लिए काम में ली जाती है या पार्टिकल के लिए काम में ली जाती है तो वहाँ पर हम केवल मास का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर हम इसमें क्या कर रहे हैं, मास की जगह किस कर रहे हैं, रिड्यूस मास को प्रयोग करेंगे। दूसरा हमारे पास जो वी आर है वो पोटेंशियल है फ्रॉम स्केटरिंग। ठीक है, ये हमारे पास पोटेंशियल है। इस तरह से एक वेव इक्वेशन आती है। ये यहाँ पर हमने जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ली है वो जर्नल फॉर्म में ली, वो हमने जर्नल फॉर्म में ली है,
अब हम इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के जनरल फॉर्म में जो कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करने के बाद इनका कुछ सॉल्यूशन आएगा, और उस सॉल्यूशन से हम वो निकालेंगे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू। तो फर्स्ट कंडीशन देखिएगा, फोर आर लेस देन ए मीन्स ये वाला क्षेत्र लेने, ये वाला फील्ड आर लेस देन ए के लिए आप देख सकते हो द रेडियल इक्वेशन इज गिवन बाय। तो यहाँ पर आर लेस देन ए के लिए पोटेंशियल की वैल्यू आप देखोगे, तो पोटेंशियल की जो वैल्यू है आपके पास आर लेस देन ए, यानी कि आर की वैल्यू ए के बराबर नहीं है, बराबर नहीं है तो पोटेंशियल वैल्यू की नहीं रहेगी, ज़ीरो। तो आर ग्रेटर देन ए हो चाहे आर लेस देन ए हो तो पोटेंशियल की वैल्यू तो कितनी है, ज़ीरो है। पोटेंशियल की वैल्यू केवल इसके सेंटर में मिल रही है, यहाँ पर इधर और इधर पोटेंशियल कितना है, ज़ीरो है। ठीक है, तो हम सिंपली पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो यूज़ करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी डेल स्क्वायर यू आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस टू म्यू ई अपॉन एच स्क्वायर। यहाँ पर आप देख सकते हो ये पोटेंशियल की वैल्यू को हमने ज़ीरो कर दिया, इस पोटेंशियल की वैल्यू को हमने क्या कर दिया है, ज़ीरो। यहाँ पर बचेगा प्लस टू म्यू ई अपॉन में एच कट स्क्वायर यहाँ पर बचेगा, और ये जो इक्वेशन आती है ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, और सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम डायरेक्टली सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। एक काम और किया हमने इस इक्वेशन में, ये जो वैल्यू है वो कॉन्स्टेंट है बिकॉज द एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज ऑलवेज रिमेनिंग कॉन्स्टेंट एंड एच इज़ नोन एज द प्लैंक कॉन्स्टेंट और म्यू इज़ द रिड्यूस मास। तो हमारे पास ये सारी वैल्यू क्या है, कॉन्स्टेंट। तो हम कुल मिलाकर इसको एक नए कॉन्स्टेंट के रूप में डिफाइन करेंगे, जिसको हम लिखेंगे के स्क्वायर। ठीक है, एंड द के स्क्वायर इज इक्वल टू टू म्यू ई अपॉन एच कट स्क्वायर। इसको हमने दिया है इक्वेशन नंबर टू, द सॉल्यूशन ऑफ द अबो इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हम सिंपली निकाल सकते हैं, ये रहता है यू आर प्लस ए साइन के आर प्लस बी कोस के आर। तो हमने केवल इसमें साइन वाला पार्ट ही यूज़ में लिया है, कोस वाले पार्ट को हम यूज़ में नहीं ले रहे। ठीक है, आप चाहो तो उसमें कोस वाले पार्ट को भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जब हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो बी का जो मान है वो कितना हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है। आप रख करके सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद आपको मिलेगा ये जो वैल्यू है वो ज़ीरो मिलेगी। तो उसके बाद हमने डायरेक्टली फाइनली सीधा ही डायरेक्ट लिख दिया है कि यू आर की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास ए साइन के आर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, तो हमारे पास था डेल स्क्वायर यू आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू आर एंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू यू आर एंड पी साइन के आर प्लस डेल्टा ज़ीरो, वेयर डेल्टा ज़ीरो इज द फेज चेंज इन द वेव इक्वेशंस। ये हमारे पास दूसरे पार्ट के लिए, ये शायद यहाँ पर कुछ रह गया है, ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसके लिए, आर लेस देन ए के लिए। हम सिमिलरली सोल्व करेंगे फोर आर ग्रेटर देन ए के लिए। ठीक है, इसके लिए भी पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो है, तो ऐसे ही इक्वेशन सेम आएगी, और सॉल्यूशन जो होगा इस इक्वेशन का वो हमारे पास है यू आर बी साइन के आर प्लस डेल्टा ज़ीरो। अब दो चीज़ें, यहाँ पर हमने कोस वाला पार्ट नहीं लिया, सेकंड यहाँ पर हमने एक चीज़ और जोड़ी है डेल्टा ज़ीरो, एंड डेल्टा ज़ीरो नोन एज द फेज चेंज ऑफ द वेव। वो क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास इधर से जब कोई वेव जाएगी और यहाँ पर पोटेंशियल है, पोटेंशियल से स्प्रेडिंग करके जब इधर जाती है तो उस वेव के अंदर कुछ चेंज होगा, और वो चेंज केवल उसकी फेज में होगा, इसलिए हम इस वेव को बिना फेज के साथ और इधर वाली वेव को फेज चेंज के साथ इसका सॉल्यूशन हमने लिखा। तो हमने लिखा कि यू आर इक्वल टू बी साइन के आर प्लस डेल्टा ज़ीरो एंड डेल्टा ज़ीरो इज़ द फेज चेंज इन द वेव एंड दीज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थ्री एंड फाइव मस्ट बी मैच्ड एट बाउंड्री आर इक्वल टू ए। हमें पता कि आर इक्वल टू ए पर जो वेव है उसकी कंडीशन अप्लाई होती है, और वेव की कंडीशन क्या होती है कि जो वेव होती है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, उसमें कोई चेंजमेंट नहीं हो। बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था। हाँ, तो अपन ये बोल रहे थे कि जो वेव होती है उसकी कंडीशन होती है, और वो कंडीशन क्या रहती है कि वो कंटिन्यूस होगी, यानी कि r इक्वल टू ए पर जो सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर फाइव में है और जो सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर थ्री में है वो मैच होने चाहिए। सो हम इसमें अप्लाई करेंगे
कहाँ गया, हाँ ये रहा, यहाँ पर थे अपन। इक्वेशन 3 और 5 के अंदर ये मैच होगा, साथ में इनका जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो भी r इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूस होगा। ये भी हमारे पास वेव इक्वेशन की कंडीशन होती है, ये दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब बात आती है किसकी, कि हमारे पास इन दोनों इक्वेशन को बराबर करते हैं। तो u r इक्वल टू बी साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो इक्वेशन नंबर 5 थी। अच्छा यहाँ तक आ गया फंड 13। तो r इक्वल टू a पर हमने इस सॉल्यूशन को और इस सॉल्यूशन को बराबर कर दिया, ठीक। नाउ रेडियल इक्वेशन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इंक्लूडिंग r इक्वल टू a इज़ गिवन बाई, तो हमारे पास वैल्यू आएगी ये वाली, इस वाली समीकरण को भी हम काम में ले सकते हैं। अब देखिए एक कंडीशन हमने अप्लाई की कि r इक्वल टू a के ऊपर जो वेव इक्वेशन की वेव इक्वेशन है वो कंटिन्यूस होनी चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास एक इक्वेशन आती है जिसको हमने 6 नंबर दिया। अब हम उसी इसको छोड़ रहे हैं फिलहाल, हम आगे बढ़ रहे हैं, और आगे हम कैसे बढ़ रहे हैं, r इक्वल टू a पर हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होगी, और r इक्वल टू a पर हमारे पास जो पोटेंशियल Vr है वो ज़ीरो नहीं है। तो हम अप्लाई करेंगे अब क्यों, r इक्वल टू a पर श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है वो है डेल स्क्वायर यू आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर ई यू आर बराबर 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर वी आर और यू आर। यहाँ पर आपकी बात पोटेंशियल की वैल्यू कुछ है, और वो वैल्यू है गामा डेल्टा आर माइनस का ए। माइनस का ए अप्लाई करके ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डेल स्क्वायर यू आर अपॉन डेल आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यू आर बराबर 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर गामा डेल्टा आर माइनस ए और यू आर। अब हमें इसमें से सॉल्यूशन चाहिए किसका, यू आर की वैल्यू चाहिए। अब यू आर की वैल्यू निकालने के लिए या तो आपको डायरेक्टली इसका हल लिख लेना चाहिए, या फिर हमारे पास सेकेंड वे है कि इस पूरी इक्वेशन का हमें 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना चाहिए। 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करेंगे तो आपके पास इसका सॉल्यूशन मिलेगा। इंटीग्रेशन अबो इक्वेशन बिटवीन ए माइनस एप्सिलॉन एंड ए प्लस एप्सिलॉन विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रेस में क्यों करेंगे कि आर के साथ डिफरेंशिएशन है, इसलिए आर के साथ इस इंटीग्रेशन करने के बाद दो बार करेंगे तो आपके पास यू आर की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने लिमिट लगाई, लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो बिकॉज एप्सिलॉन इज टेंड्स टू जीरो, ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन, ओके। और इस पूरी इक्वेशन का इस वाले का समाकलन कर दिया, और इधर a माइनस एप्सिलॉन से इंटीग्रेशन की लिमिट है a प्लस एप्सिलॉन तक, और ये रहेगा यू आर 2 म्यू एच कट स्क्वायर गामा डेल्टा आर माइनस ए डी आर। अब इसके अंदर आप देखोगे कि ये जो वैल्यू है 2 म्यू एच कट स्क्वायर गामा, और ये तो बाहर लिख देंगे बिकॉज ये कॉन्स्टेंट कितने बिहेव करेंगे, और यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो देखो एक चीज़ और है, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट इसको अलग से सोल्व किया गया है, a माइनस एप्सिलॉन और a प्लस एप्सिलॉन के स्क्वायर यू आर डी आर। अब यहाँ पर के स्क्वायर भी कॉन्स्टेंट है, यू आर भी कॉन्स्टेंट है, सॉरी यू आर जो है वो तो खैर डिपेंडेंट है आर पर। तो यहाँ पर आप जब इसको सोल्व करोगे तो हमारे पास एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो है, तो यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे तो लिमिट सेम होने के कारण इसको तो हम कितना कर लेंगे, ज़ीरो कर लेंगे। तो ये वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी बिकॉज यू आर कोई हमें यहाँ पर कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं दे रखा, हम यहाँ पर आर बराबर ए रखेंगे फिर दोबारा भी आर बराबर ए रखेंगे, तो उसकी बात है कि वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। तो इसको हमने ज़ीरो कर दिया, बाकी हमारे पास दो टर्म्स बची हैं, एक ये वाली टर्म्स एक ये वाली टर्म्स। इस टर्म्स में तो हमारे पास ये जो वैल्यू है ये तो कॉन्स्टेंट है ही, ठीक है, और इस वाली वैल्यू में हमारे पास एक इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से आएगा, ये कि लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो एंड ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन डेल स्क्वायर यू आर अपॉन डेल आर स्क्वायर डी आर इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो ए माइनस एप्सिलॉन टू ए प्लस एप्सिलॉन 2 म्यू अपॉन एच कट स्क्वायर गामा डेल्टा आर माइनस ए यू आर डी आर इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। यूजिंग ड्राग डेल्टा पोटेंशियल एंड ड्राग डेल्टा प्रॉपर्टीज तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन डी स्क्वायर यू आर अपॉन डी आर स्क्वायर डेल्टा आर, सॉरी डेल आर इक्वल टू लिमिट एप्सिलॉन टेंड्स टू ज़ीरो और
ये रहेगा a माइनस एप्सिलॉन से a प्लस एप्सिलॉन एंड टू म्यू अपॉन एच का स्क्वायर डेल्टा सॉरी गामा डेल्टा आर माइनस ए यू आर और डी आर। यहाँ पर हम इसको फर्स्ट सोल्व कर रहे हैं यूजिंग डिराक डेल्टा पोटेंशियल प्रॉपर्टीज। तो ये रहता है फंक्शन एफ ऑफ आर डेल्टा आर माइनस ए डी आर, तो हम इसको रिप्लेस करेंगे आर इक्वल टू ए पर, क्योंकि इसकी दो वैल्यू होंगी, पहली है आर इक्वल टू ए पर हमारे पास वन और आर नॉट इक्वल टू ए पर जीरो। तो आर ए नॉट इक्वल टू ए पर तो जीरो है ही, लेकिन आर इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू वन आ रही है और आर बराबर ए पर जब वन है तो यहाँ पर आर की जगह हम कितना कर देंगे वन कर देंगे इसके अंदर, तो ये बचेगा एफ ऑफ ए। तो इस पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास रहेगी कितनी, टू म्यू अपॉन एच का स्क्वायर गामा यू ए। ये सोल्व हो गया, ये सोल्व हो गया। और इधर वाले फंक्शन की जो वैल्यू है इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन के बाद बचेगा डी यू आर अपॉन डी आर और लिमिट रहेगी ए माइनस एप्सिलॉन से ए प्लस एप्सिलॉन। तो ये लिमिट लगा दी, ये अपर लिमिट थी ये लोअर लिमिट थी, दोनों लगा दी हैं, लेकिन यहाँ पर ए प्लस एप्सिलॉन के लिए आप यू आर का सॉल्यूशन रखेंगे और यहाँ पर आप ए माइनस एप्सिलॉन के लिए यू आर का सॉल्यूशन लिखेंगे, जो कि हमने इक्वेशन नंबर थर्ड में और इक्वेशन नंबर फाइव में अप्लाई किया था। तो यहाँ पर देखेगा तो इक्वेशन नंबर फाइव में हमारे पास आया था बी कोस सॉरी बी साइन के आर प्लस डेल्टा जीरो, ये आया था ए प्लस एप्सिलॉन पर और ए माइनस एप्सिलॉन पर आया था ए साइन के आर। तो ये लिमिट की वैल्यू है, ऐसे मैंने दोबारा लिमिट लिख दी, ऐसे दोबारा लिमिट नहीं आएगी है ना, लिमिट लगाने के बाद ये वैल्यू रख दी गई है तब ये ऐसा आया। सिंपल आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे सॉरी डिफ्रेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर, बी इज ए कॉन्स्टेंट एंड साइन के आर द इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो हमारे पास आएगा के और साइन बदल जाएगा कोस के अंदर कोस के ए प्लस डेल्टा जीरो, क्योंकि हमें एक चीज़ और रखनी है कि ए माइनस एप्सिलॉन एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो, तो हम रखेंगे आर की जगह ए को रखेंगे, ठीक है ना। वैसे भी आर इक्वल टू वन के लिए सॉल्यूशन है, माइनस ए के कोस के आ जाएगा, ये आर की जगह ये आप क्या रख दोगे ए रख दोगे और ए क्या है कॉन्स्टेंट और के क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा इक्वल टू टू म्यू अपॉन एच का स्क्वायर गामा बी। और यहाँ पर भी हम सॉल्यूशन रखेंगे साइन के ए, क्योंकि यू ए है ये साइन के ए प्लस डेल्टा ज़ीरो। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब अपन को क्या करना है, इसमें से एक वैल्यू चाहिए, किसकी, हमें चाहिए डेल्टा ज़ीरो की वैल्यू बस, बाकी को हमें सोल्व करना है। तो हमने लिखा ए के कोस के बराबर बी के कोस के प्लस डेल्टा ज़ीरो माइनस टू म्यू अपन गामा एच का स्क्वायर बी साइन के डेल्टा ज़ीरो। तो मैंने डेल्टा ज़ीरो वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया है बिना डेल्टा वाले टर्म्स को एक साइड कर लिया। नाउ इक्वेशन नाइन डिवाइडेड बाय द इक्वेशन सिक्स, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर नौ है, ठीक है, और इसको हम डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर सिक्स से। और इक्वेशन नंबर जो सिक्स है वो हमारे पास ये आई थी जो हमने छोड़ दिया था, मैंने बोला था इसको हम होल्ड रखेंगे बाद में हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो इधर है साइन के ए प्लस डेल्टा ज़ीरो, इधर के हैं साइन के, इसको सीधे ही हम इक्वेशन नंबर जो नाइन आ रही है उसके अंदर डिवाइडेशन करते हैं। तो इधर कोस है नीचे साइन आ जाएगा, इधर कोस है नीचे कोस है कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर साइन है नीचे कोस है तो ये टेन बदल जाएगा। तो अपने पास आएगा कोट के कोट के बराबर के कोट के प्लस डेल्टा जीरो माइनस टू गामा अपॉन एच कट स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो साइन से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, कोस बटे साइन हमारे पास कोट हो जाएगा, कोस बटे साइन कोस हो जाएगा, ए भी कट जाएगा बी भी कट जाएगा और बी भी कट जाएगा। तो फाइनल हमारे पास ये बचा है। यहाँ पर देखो अब हमारे पास डेल्टा ज़ीरो केवल यहाँ यहाँ बचा है और हमें डेल्टा भी ज़ीरो चाहिए। तो बस ये बात है कि आप इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे और इस वैल्यू को अपन ओपन करेंगे, कोट को ओपन कर लेंगे। तो कोट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोट ए कोट बी माइनस वन अपॉन कोट ए प्लस कोट बी, माइनस इसको मैंने इधर लिखा है माइनस के साथ, ठीक है ना, और माइनस इस वाली वैल्यू को मैं इस साइड लेके आया हूँ इस साइड, तो ये इधर पॉजिटिव आ जाएगी और इस वाली वैल्यू को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी, ये नेगेटिव कर देंगे। के को मैंने दोनों में से क्वेश्चन कर लिया, इसमें से भी और इसमें से भी, ठीक है। अब आप इसको ओपन करके सोल्व करेंगे तो आपके पास कोट डेल्टा ज़ीरो की वैल्यू आएगी जो कि रहेगी माइनस कोट के माइनस एच स्क्वायर के स्क्वायर पॉइंट टू म्यू गामा कोस एक्स स्क्वायर के। अब यहाँ पर हमें हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, स्क्रेडिंग जो कर रहे हो आप उसमें लो एनर्जी है या हाई एनर्जी है। तो सिंस पार्टिकल हैव लो एनर्जी देन के इज लेस देन लेस देन लेस देन वन बिकॉज द के इज इक्वल टू टू म्यू ई अपॉन एच का स्क्वायर
इफ ई इज़ द लो एनर्जी, इफ इज़ द लो एनर्जी देन द के जो वैल्यू होगी वो एक से छोटी हो जाएगी और हम के ए की वैल्यू को लेस देन वन कर देंगे। तो ऑब्वियसली बात है कि जब के ए यहाँ पर एज ए थीटा बिहेव कर रहा है, यहाँ पर थीटा बिहेव कर रहा है, तो यहाँ पर हम थीटा कैसे लिखेंगे, कोट थीटा लगभग थीटा होगा कब, जब थीटा टेंस टू जीरो है। कोट थीटा जो होता है वो वन अपॉन के बराबर होगा इफ के टेंस टू जीरो है। कोसेक के भी लगभग वन अपॉन के बराबर होगा इफ के ए टेंस टू जीरो है। ये सारी वैल्यू इस समीकरण नंबर 10 में पुट करेंगे। पुट करने के बाद हमें मिलेगा कोट डेल्टा जीरो इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन के माइनस एस स्क्वायर के अपॉन टू गामा एंड के ए का होल स्क्वायर। कोट डेल्टा जीरो इक्वल टू माइनस वन अपॉन के माइनस वन अपॉन के इंटू वन अपॉन टू गामा टू म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर। अब ये इक्वेशन आ गई, अब इसको भी हम थोड़ा और सोल्व करते हैं। तो इसमें हमने इस पूरे को कॉमन कर लिया, पूरे को कॉमन करके और नीचे डिवाइडेशन में भेज देते हैं। तो डिवाइडेशन भेजेंगे तो ये पार्ट उल्टा हो जाएगा, ये रहेगा सॉरी नीचे तो था ही कॉमन किया अपन ने, तो ये नीचे वाला देखो टू म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर के ये तो हमने कॉमन कर लिया, और साथ में हमने यहाँ पर हाँ यहाँ पर समस्या आई थोड़ी ना। देखें यहाँ पर हमारे पास जो वैल्यू है इसके अंदर एक माइनस ये है, एक माइनस ये, हम इसको पूरे को माइनस के साथ लिख लेते हैं, ठीक है। और इस माइनस को तो हमने कॉमन ले लिया, और साथ में कॉमन लिया है हमने टू म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर और के ए को भी कॉमन लिया हमने, देखो यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर के ए कॉमन आ गया है, इधर मैंने लिख दिया नीचे उसको, तो यहाँ पर तो बचेगा अपने पास ये, क्योंकि ये टर्म्स, ये वाले टर्म्स इसमें नहीं थी, तो ये उल्टा होकर के आएगी टू म्यू गामा ए अपॉन एच कट स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर देखो के ए कॉमन ले लिया, इस पूरे को भी कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचेगा वन और ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब देखो नाउ द टोटल स्प्रेडिंग क्रॉस सेक्शन इज इक्वल टू सिग्मा टोटल इक्वल टू फोर पाई अपॉन के स्क्वायर और सिग्मा एल इक्वल टू जीरो से ले इन्फिनिटी टू एल प्लस वन साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो। लो एनर्जी की बात कर रहे हैं तो एल इक्वल टू जीरो मिलेगा, एल इक्वल टू जीरो रखेंगे तो सिग्मा टोटल रहेगा फोर पाई के स्क्वायर, और यहाँ पर इसमें जब एल इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये रहेगा जीरो पूरा और ये रहेगा वन, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो। और हमें पता है कि साइन स्क्वायर डेल्टा जीरो को हम लिख सकते हैं वन अपॉन कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर डेल्टा जीरो लिख सकते हैं, तो हमने इसको लिख दिया कोसेक स्क्वायर डेल्टा जीरो, और कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं वन प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा जीरो, और हमने कोट स्क्वायर या कोट डेल्टा जीरो की वैल्यू निकाली है। अब अपन स्क्वायर करेंगे तो ये जो माइनस है यहाँ पर आप पॉजिटिव ही आप यूज़ कर सकते हैं, यदि आप माइनस को यूज़ करना चाहो तो आप माइनस का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा, लेकिन इसका क्या है ऊपर स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड के इज़ ग्रेटर देन वन, सो वन इज़ द एग्जिबल वैल्यू फॉर द कंपेरिजन ऑफ दिस टर्म, एंड वन को हमने रिमूव कर दिया, फाइनली हमारे पास मिलेगा सिग्मा टोटल इक्वल टू फोर पाई अपॉन के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर ए स्क्वायर, और ये वैल्यू यहाँ से के स्क्वायर कट जाएगा और जो बची हुई टर्म्स को उसको सोल्व कर लेंगे। एच कट स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी है, जब ये ऊपर जाएगा तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पर वन को भी क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या हो गई हैं, बराबर हो गई, कैंसिल आउट हो जाएंगी। यहाँ पर हमारे पास सिग्मा टोटल की जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी सिग्मा इक्वल टू फोर पाई ए स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देखेंगे जब लो स्प्रेडिंग क्रॉस सेक्शन लो स्प्रेडिंग होती है तो हम देख पा रहे हैं कि द टोटल स्प्रेडिंग क्रॉस सेक्शन फॉर लो एनर्जी स्प्रेडिंग इज इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं होता, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है लो एनर्जी के लिए। हाई एनर्जी के लिए सिग्मा टोटल हमारे पास एनर्जी डिपेंडेंट होगा नहीं होगा, ये हम अगली क्लासों में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमारे पास जो सिग्मा टोटल है फोर पाई ए स्क्वायर वो एनर्जी डिपेंडेंट नहीं है, ये हमारे पास एक कॉन्स्टेंट वैल्यू है, फिक्स रहेगा, यानी कि लो एनर्जी के अंदर इंसिडेंट पार्टिकल की जो नंबर ऑफ पार्टिकल हैं उनके द्वारा जो कवर्ड एरिया होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा।
तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, अगली क्लास में हम इसमें अगला पोटेंशियल क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है।